गुड़ी के पखले फले में स्ट्रक्चर से गर्भवती महिला को लाए पहाड़ से नीचे और जननी से पहुंचाया स्वास्थ्य केंद्र। अब बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ। पार्टी विकासकरण पार्टी यूं ही तो लोगों को अपनी ओर नहीं आकर्षित करता। यहाँ के पहाड़ लोगों को अपनी क्षमताओं को परखने का चैलेंज कर हर व्यक्त देते हैं। आज भी फैला संस्कृति के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से रोगी को मात्र स्ट्रक्चर से ही लेकर नीचे पहुंच मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से पार्टी में मिशन उम्मीद प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां वाहन नहीं पहुंच पाते वहां से बीमार एवं गर्भवती महिला को लाने के लिए फोल्डिंग स्ट्रक्चर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराए गए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनके माध्यम से रोगी को पहाड़ से नीचे लाकर बेहतर इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा जा सके। बुधवार को मिशन उम्मीद की केंद्र बिंदु ग्राम गुड़ी के पखलिया फैला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुश्री मनीषा जमरे के सामने ऐसा ही प्रश्न खड़ा हो गया। जब फैले की रहवासी श्रीमती आमना पति राजाराम को दूसरी डिलीवरी का लेबर पेन होने लगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तत्काल जननी 108 को कॉल कर बुला लिया, किंतु पहाड़ से गर्भवती को लाना अपने आप में विकट था। ऐसे में कार्यकर्ता ने फोल्डिंग स्ट्रक्चर का सहारा लिया और परिजनों के सहयोग से गर्भवती महिला को लगभग 2 किलोमीटर घुमावदार पगडंडियों के रास्ते से पहाड़ से उतार कर वाहन में लिटाया और गुड़ी के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर महिला ने 2.5 किलो के स्वस्थ पुत्रों का जन्म दिया और बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ है। कोरोना काल में जब सब कुछ ठहरा हुआ है, ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग के अमले का यह प्रयास और सराहनीय हो जाता है। उल्लेखनीय है कि पार्टी जैसे पहाड़ी क्षेत्र की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिले में अपनी पदस्थापना के साथ ही मिशन उम्मीद जैसा नवाचार प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य भी यही था कि जैसे ही जो 100% प्रसव संस्थागत ही हो। मेरा नाम रतन सिंह गुंडिया है, मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास बड़वानी। हमारे सम्मान्य कलेक्टर महोदय की ये एक अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रसव जननी नहीं जा पाती है, तो उन्होंने एक मिशन उम्मीद के नाम से एक जागरूकता अभियान के तहत ये स्कीम लागू करी है, जहाँ पे कोई भी ग्रामीण डिलीवरी करवाने के लिए उसको अपने खुद के वाहन से PSC CSC सेंटर पे लाता है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है 400 रुपये से 1000 रुपये तक के बीच। तो ये हमारे पाटी ब्लॉक की गुड़ी गांव की जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है मनीषा जमरे द्वारा एक अच्छा काम किया गया, अपने खुद के स्ट्रक्चर से वो 3 किलोमीटर CSC सेंटर पे लाए, उनको प्रसव करवाया गया, वो बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। दुर्गम क्षेत्र था, हाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे आवागमन का कोई साधन नहीं, इसके कारण 100 डायल 100 और जो जननी सुरक्षा की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने में अक्षम है। अच्छा कार्य करने वाले कुछ पुरस्कार हाँ, इसके अलावा विभाग मतलब ये तो स्वास्थ्य विभाग या हमारे सम्मानीय कलेक्टर सर के द्वारा ये स्कीम लागू की गई जिसमें उसको राशि दी जाएगी, और विभाग भी समय समय पर उनकी कार्यों की ग्रेडिंग के आधार पे महिला बाल विकास भी उसको प्रोत्साहन राशि देता रहता है। जो भी अधिकतर जो पार्टी वाला क्षेत्र है या वरला वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे आवागमन के साधन नहीं होने के कारण इस तरह के जो प्रयोग है वो सफल हो रहे हैं, और हमारा जो मैदानी अमला चाहे महिला बाल विकास हेल्थ का या ग्रामीण विकास विभाग का, सभी मिलकर इसमें सहयोग करते हैं, और हम जो हमारे वरिष्ठ कलेक्टर महोदय है उनकी जो जिले की मंशा है उसके अनुरूप हम काम करते हैं। दिल्ली में पिछले 6 माह से जारी किसान आंदोलन के समर्थन में जागृत आदिवासी दलित संगठन पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। पार्टी किसानों के लगातार विरोध के बाद भी केंद्र सरकार कृषि बिल वापस नहीं ले रही है, इसको लेकर किसान संगठन विरोध कर रहे, जिसके समर्थन में बुधवार को जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार संजय चौहान को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता हर सिंह जमरे ने बताया कि दिल्ली में पिछले 6 माह से किसान 3 कृषि कानून बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे, जिनके समर्थन में ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो एक बार फिर सभी किसान आंदोलन पर उतरेंगे। उनकी मांगे हैं कि 3 नए कृषि कानून को वापस कर स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू करते हुए किसान को अपनी फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना दाम कानूनी अधिकार बनाकर सुनिश्चित किया जाए, देश की बिजली निजी कंपनी के हवाले कर विद्युत के निजीकरण, देश की मेहनत कश जनता के ऊपर महंगे
बिजली बिल थोपने वाला विद्युत अधिनियम खारिज किया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। समय रहते मांगों का निराकरण नहीं होता है तो एक बार फिर किसान आंदोलन करेंगे। साथ ही किसान मजदूर आज के दिन काले दिवस के रूप में मना रहे। इस दौरान कार्यकर्ता लयाबाई भाकरिया सोलंकी, मुरा नरगावे, कमलेश खरते, कुंवर सिंह सस्ते सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अग्रत आदिवासी दलित संगठन से हरसिंह अमरे, जो दिल्ली में 6 महीने से आंदोलन बैठे हैं, 2014 में जो सत्ता में आए थे सरकार में आने से पहले बोला था कि 24 फसल का 1.5 गुना भाव देंगे, लेकिन जो 1.5 गुना भाव देने के बजाय से जो किसान को सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी हटा के जो कंपनियों को मुनाफा देने का फायदा कर रही, तो जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे और जो हम ग्रामीण जंगलों में रहने वाले आदिवासी, हम जो दिल्ली वालों की लड़ाई अकेले के लिए है, हम सबकी लड़ाई है। और जो हम देश के किसान कमाते, सभी लोग फायदा उठाते, लेकिन किसान की जो फसल नुकसान होती तो किसान अकेला उसका नुकसान भरपाई करता। तो जो हम आज जो 6 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, हमने बीच में भी आंदोलन किया है, लेकिन फिर से आज काला दिवस के मांग को लेके हम आज ज्ञापन दिया जा रहा कि सरकार ना देख रही ना सुन रही, तो वापस हम सरकार को चेतावनी देना चाहते कि ये किसानों के ऊपर ध्यान रखते हुए और जो कंपनियों को बढ़ावा देने के बजाय किसानों को बढ़ावा दे ताकि किसान देश को ठीक से चला पाए। इसमें मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी ये है कि 24 फसल का 1.5 गुना भाव दे। मई महीने में फसल का भाव तय हो जाना चाहिए कि सोयाबीन का भाव ये रहेगा, कपास का भाव ये रहेगा, मूंगफली का भाव ये रहेगा, उसका बोर्ड लग जाना चाहिए, और सर्दी का वो सितंबर महीने में बोर्ड लग जाना चाहिए ताकि वो किसान वो फसल का भाव देख के वो फसल बो सके। अभी ऐसा हो रहा कि जो 50 किलो खाद का 500 में मिलता था, अभी 40 किलो खाद का 1200-1300 में मिलते जा रहे, तो अभी ये किसान तो लगातार घाटे में चलते आ रहे, लेकिन जो कंपनियों का फायदा करते जा रहे, जो किसान खेती करने लायक था वो किसान खेती छोड़ के मजदूर और रोड साफ हो गए, 100 से पार हो गए पेट्रोल डीजल, तो हम किसान खेती कैसे कर पाएंगे? महंगाई कितनी बढ़ गई, हमारी जो मजदूरी का रेट 90 रुपये था, 3 रुपये बढ़े, 93 रुपये हुए, तो जो शहरों का बढ़ावा दे रहे, तेल का भाव 200 रुपये किलो, खाद का भाव 1200-1300 रुपये, पेट्रोल का भाव 100 रुपये, डीजल का भाव 100 रुपये, तो ये किसान कहाँ से खेती कर पाए? RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।